हरिओम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं पार्थ दांटा, शिमला हिमाचल का रहने वाला। तो ये मेरा पहला व्लॉग है और आज डेट है 1 जनवरी 2024। तो आज पहले साल और पहले ब्लॉग की शुरुआत हम अपने गांव के मंदिर से कर रहे हैं। यह हमारा मंदिर, शिव मंदिर। सबसे पहले हम अब दर्शन करते हैं हनुमान जी के, और उसके बाद हम बाकी सभी भगवान जी के दर्शन करते हैं। यह है मेरा भाई सौरभ, और इसके बाद हम जाते हैं काली माता के मंदिर। वहाँ भी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ हम धूप वगैरह पूजन करते हैं थोड़ी बहुत जितनी हमें आती है, और वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। और फिर हम जाते हैं सौरभ के घर। सौरभ के पापा वेल्डिंग का थोड़ा बहुत काम जानते हैं, तो अपने शौक के लिए उन्होंने वेल्डिंग मशीन भी रखी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक आयरन के पीसेस और एक रॉड में वेल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम आज बनाने वाले हैं टंबल सेल्फ मेड। सबसे पहले हम इसमें सीमेंट लेते हैं, और उसके बाद हम स्टोन्स लेते हैं, उसके बाद हम इसमें सैंड लेते हैं। तो इसका रेशो हमने 4:3:1 रखा है। 4:1 इसमें स्टोन का है और 3:1 इसमें सैंड का है और 1:1 इसमें सीमेंट का है। फिट लेते हैं बकेट में हम ऑयल लगाते हैं, ताकि जो मिक्सचर कंक्रीट का है वो इसमें चिपके नहीं। उसके बाद आप ये आफ्टर रिजल्ट देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद हम ये काम ख़त्म करके अपने वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज है हमारा वर्कआउट बैक का। तो हम बैक में सबसे पहले वार्म अप करते हैं लाइट वेट से, बेंट ओवर हो, और उसके बाद हम 3 सेट इसके अच्छे से 15, 12 और 10 के लगाते हैं। इसमें वेट को हम इंक्रीज करेंगे सेट बाय सेट। तो ये इसके 3 सेट हो गए। तो इसके बाद अगला एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1 आर्म रोइंग। इसके हम 4 सेट करेंगे। इसमें हम जो ये थे, आप टंबल देख सकते हो, ये 15 kg का है। तो इसको हम आराम से 15 kg के 15 रैप 4 सेट्स के मारते हैं। इसमें पूरा फेलियर तक जाते हैं। और अगली एक्सरसाइज हम करते हैं 1 आर्म सिटी ड्रॉइंग। तो हमारे पास मशीन तो है नहीं, तो हम एक रबर बैंड, और जिसको आप थारा बैंड भी बोलते हैं, तो उससे करते हैं। इसके हम 3 सेट करते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज हम करते हैं T-bar रोइंग। ये हमारे घर में पहले से ही 60 kg की रॉड पड़ी है, जो आप देख रहे हो।
ये भारी बहुत है, आपको दिखने में नहीं लग रही होगी पर ये बहुत भारी है। इसमें हम एक रॉड और उसमें डंबल लगा के इसका थोड़ा वेट इंक्रीज करते हुए 3 सेट इसके भी हम मारेंगे, 12 to 15 reps। हम अपना वर्कआउट ख़त्म करते हैं और पोस्ट वर्कआउट में लाइक अच्छा सा मिल्क शेक लेते हैं, जिसमें हम चने का पाउडर, सत्तू पाउडर भी आपने सुना ही होगा, और ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर, 1 कप ऑफ मिल्क और 1 बनाना लेते हैं। इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं और इसमें हम 1 बाउल चना कर लेते हैं और इसके बाद हम ये व्यू इंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। हरिओम दोस्तों।